तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, गदर 2 की सुनामी अब किसी के बाप से नहीं रुक सकती और ना कोई रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर दिन एक मोटी ताजी कमाई करते जो रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री क्रिएट कर रही है भाई, अमेजिंग। गदर 2 ने गदर मचाते हुए तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर पठान तक के रिकॉर्ड को आसानी से खदेड़ दिया अपने पहले 20 दिन के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड से। इस साल की जायंट मूवी पठान को भी खदेड़ दिया है और आज शानदार 22 दिन कंप्लीट करके 23वें दिन में एंट्री मार ली है। तो भाई साहब, सबसे पहले आज जानेंगे मूवी पहले 5 दिन में कितनी कमाई करी थी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, सेकेंड वीक में कितनी कमाई करी और थर्ड वीक की ग्रोथ कैसी थी, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जय दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है भाई, मान गए, इस साल की फास्टेस्ट ग्रॉसर बनकर उभर रही है गदर 2। इसी के साथ दोस्तों, अगर बताऊं तो आपको गदर को कभी खुला मैदान नहीं मिला। जब रिलीज हुई, एक सॉलिड अपोनेंट के साथ रिलीज हुई, तब जब 2001 में रिलीज हुई थी, लगान मूवी के साथ रिलीज हुई थी और 2001 में लगान ने जो हाई पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद जब गदर ने ग्रोथ पकड़ी तो जबरदस्त कमाई करके निकली और आमिर खान को जबरदस्त टक्कर दिया था उस समय। और जब गदर एक प्रेम कथा आई थी, तब लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट करा था मूवी को, लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी ऑल नो द रिजल्ट। सेम क्लैशेस अभी भी देखने को मिले, लेकिन इस बार लोगों के दिल में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी गदर 2 को लेकर। इसलिए जितनी भी फिल्में साथ में रिलीज हुई, चाहे OMG 2 हो गई या जेलर हो गई या भोला शंकर हो गई, सभी को जबरदस्त खदेड़ते नजर आई थी। और हाल फिलहाल में जो 6-7 दिन पहले ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई, उससे भी जबरदस्त टक्कर ले रही है, लेकिन अभी थोड़ा मात खाते नजर आ रही है 1-2 दिन के आंकड़े के मुकाबले। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 एक गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी हमको तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे और अमीषा पटेल सकीना के रोल में देखने को मिली थी और दिग्गज विलेन अमरीश पुरी हमको अशरफ अली के रूप में देखने को मिले थे। तारा सिंह को वही प्यार अब दोबारा से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी कराया है गदर 2 में। लेकिन गदर 2 में अमरीश पुरी एक दिग्गज विलेन की बहुत कमी खली गई है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके आ रहे हैं, तारा सिंह दोबारा से छाए हैं। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था और मूवी को 4000 स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन में, जिसने पहले दिन 40 करोड़ से खाता खोलकर 30वें दिन में 52 करोड़ से और 5वें दिन में ऐतिहासिक कमाई करते हुए 55 करोड़ का कलेक्शन करा था और पहले 5 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और पूरी दुनिया से 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर लिया था और फास्टेस्ट 300 करोड़ कंप्लीट करने वाली मूवी बन चुकी थी गदर 2 बहुत कम समय में। इसी के साथ पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में टोटल कलेक्शन 284 करोड़ के आसपास हो चुका था। ग्रॉस कलेक्शन पहले हफ्ते का 370 करोड़ के आसपास हो चुका था। तो पहला वीक गदर 2 का जबरदस्त रहा, शानदार रहा, लेकिन 8वें 9वें दिन में थोड़ा डाउनफॉल मिला, 10वें दिन में फिर उछाल मारी और ऐतिहासिक कमाई करते हुए पहले 10 दिन में ही 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और पूरी दुनिया से 490 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था पहले 10 दिन में। इसी के साथ 11वें दिन में 12 करोड़ 12वें दिन में लगभग 11 करोड़ और 13वें दिन में और 14वें दिन में भी सॉलिड कमाई करते हुए पहले 14 दिन यानी पहले 2 हफ्ते में 419 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। इसी के साथ 3रे हफ्ते की जब शुरुआत करी, शानदार तरीके से शुरुआत करी और गदर 2 ने 15वें दिन में 7 करोड़ कमाए, 16वें दिन में 13 करोड़ 40 लाख कमाए, 17वें दिन में 16 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड किया था और पहले 17 दिन में ही 456 करोड़ का आंकड़ा ये नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कर चुकी थी और फास्टेस्ट 450 करोड़ कंप्लीट करने वाली हाइएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर थी 3रे नंबर की। बात करें फिर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 18वें दिन में एक बार फिर से मोटी कमाई करी थी 5 करोड़ 70 लाख का और 19वें दिन में भी आंकड़ा सेम रहा, लेकिन 20वें दिन और 21 दिन में रक्षाबंधन हॉलीडे का फुल फायदा उठाकर एक मोटी कमाई अपने खाते में रखते नजर आई थी। लेकिन इस बार ड्रीम गर्ल 2 ने काफी सोच चुराने में सफलता ले ली थी, इससे गदर 2 ने इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई इस बार हॉलीडे में। लेकिन इसी के साथ बात करें कल यानी 22वें दिन में कैसी ग्रोथ रही मूवी की, अब जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है।
और 4,30,00,000 का होल करते नजर आई थी मूवी कल एंड ऑफ द डे तक। लेकिन बात करें आज यानी डे 23 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस आज सैटरडे हाफ डिफ का फुल फायदा उठाते हुए मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ओपन हुई है। आफ्टरनून इवनिंग में ज्यादा सोच अपने हिस्से में रखा है क्योंकि हाफ डे का फायदा उठा रही है और सैटरडे नाइट भी है, सैटरडे वीकेंड भी है। तो ड्रीम गर्ल 2 के साथ सॉलिड क्लैश हो रहा है आज भी, एडवांस से 2 करोड़ का खाता ये खोल चुकी है। तो एंड ऑफ द डे तक लगभग 6.5 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है गदर 2। और पहले 23 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये आज एंड ऑफ द डे तक 493 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लेगी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 655 करोड़ के आंकड़े को आराम से क्रॉस करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे तक। और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बन के कम से कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म भी बन चुकी है जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ कंप्लीट करे, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 500 करोड़ और 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। और आने वाले 5 ही दिन में ये फिल्म 7 सितंबर से पहले ही 700 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते नजर आएगी। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये बता रहा हूँ। इसी के साथ अपने 16 दिन में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से KGF चैप्टर 2 के हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खदेड़ चुकी थी और 20वें दिन के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस साल की जाइंट पठान को तो पहले ही खदेड़ चुकी है। इसी के साथ बाहुबली, दंगल, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्मों को रिकॉर्ड्स भी गदर 2 तोड़ चुकी है कम समय में ज्यादा तेजी से कमाई करने वाली। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। और कल संडे है तो कल दोबारा से ह्यूज कमबैक करने दिखेगी मूवी, क्योंकि ये लास्ट संडे है जिसमें जितना कमा सकती है कमा ले मूवी, वरना 7 सितंबर के बाद हर जगह देखने को मिलेगी। तो मूवी के लिए गदर 2 के लिए ग्रोथ में थोड़ा दिक्कत आएगी, दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना पहले तो। और गदर 2 के 700 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी 7 सितंबर से पहले ही, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देकर जाना। बाकी मूवी रिव्यू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।